नमस्कार अपने चाई डिजिटल भिलिया आसाम आज भिडिओत जानम जो माइनरीटी सार्टिफिकेट अपने केनेलैन चाहिए स्टेप बै स्टेप भिडिओ देखा चेस्ा कर पन्प्रथम आपुनी आपनर जिको ब्राउजार ओपेन कर लो जिको ब्राउजार ओपेन कर सेवा सेतु डट आसाम डट जिओ भि डट इन आम भिडिओ डिस्क्रिप्शन यू लिंक दीम आपुनी क्लिक कर वेबसाइट आ आपुनी एनेकुवा सार्च बार देखा पा सार्च बार आपुनी लिखिब एप्लिकेशन फॉर मिनिस्ट्री कम्युनिटी सार्टिफिकेट साइड आपुनी सार्च बार देखा पा सार्च बार आपुनी क्लिक कर दिब सार्च बार क्लिक कर पछि एनेकुवा इंटरफेस देखा दिब साइड आपुनी देखा पा एप्लाई एप्लाई आपुनी क्लिक कर दिब क्लिक कर दियार पछि नेक्स्ट एनेकुवा इंटरफेस देखा दिब इयाते आपुनी गाइडलाइन खिनि आपुनी सठिक भाबे पढ़ी लब पूरा आपुनी ऊपर देखा पा एप्लाई एप्लाई क्लिक कर लब नेक्स्ट एनेकुवा इंटरफेस देखा दिब इते आपुनी सिटीजन क्लिक हो डाउन आपुनी देखा पा लग इन रेजिस्टर क्लिक कर दिब क्लिक कर दियार पिछत नेक्स्ट एनेकुवा इंटरफेस देखा दिब इते आपुनी एप्लिकेन्टर एटा अकाउंट क्रिएट कर लब लागिब अकाउंट क्रिएट कर डाउन देखा पा निउ यूजर क्लिक कर दिब निउ यूजर क्लिक कर दियार पिछत नेक्स्ट एनेकुवा इंटरफेस देखा दिब इते आपुनी देखा पा मोबाइल नम्बर एप्लिकेन्टर इते मोबाइल नम्बर एंटार कर जेनेरेट ओटिपी क्लिक कर दिब जेनेरेट ओटिपी क्लिक कर दियार पिछत एप्लिकेन्टर मोबाइल ओटिपी ओटिपी तो इते एंटार कर भेरिफाई ओटिपी क्लिक कर दियार पिछत आपनार मोबाइल नम्बर तो भेरिफाई हो जाब डाउनलोड एप्लिकेन्टर आधार कार्ड थकार दरेके इते नेम तो एंटार कर लब डाउनलोड देखा पा यूजार नेम इते आपनार हिसाब यूजार नेम क्रिएट कर लब डाउनलोड देखा पा पासवर्ड आमी स्क्रीनत देखा थका धरण आपुनी पासवर्ड तो क्रिएट कर लब नेक्स्ट आपुनी डाउनलोड देखा पा जेंडर जेंडर तो सिलेक्ट कर लब नेक्स्ट आपुनी डाउनलोड देखा पा डेट अफ बर्थ तो इते आपनार आधार कार्ड थकार दरेके इते डेट अफ बर्थ तो एंटार कर लब नेक्स्ट आपुनी स्क्रोल डाउन कर देखा पा टर्म एंड कंडिशन तो ओके कर ओके कर साइन अप क्लिक कर दिब साइन अप क्लिक कर दियार पिछत नेक्स्ट एनेकुवा इंटरफेस देखा दिब इते आपुनी प्रसिड नक आपुनी स्केप कर स्केप करारे आपनर एप्लिकेशन फर्म खोल खाई जाने भलदे चाह लाते आपुनी आपनर आधार कार्ड थकार दरेके सकोधरण डिटेल्स फिलप कर लब चाहिए फिलप कर एप्लिकेन्टर नेम फादार्स नेम मादार्स नेम मोबाइल नम्बर तो भेरिफाई थको इमेल आई डि डेट अफ बर्थ जेंडर कम्यूनिटी ये आपुनी टाइप कर लब टाइप कर स्क्रोल डाउन कर दिब स्क्रोल डाउन कर देखा पा पार्मानेंट एड्रेस आपुनी आपनर पार्मानेंट एड्रेस तो इते फिलप कर लब लगे हाउस नम्बर स्टेट ये जेनेकुवा धरण आसे आपुनी फिलप कर लब आम आम हिसाब फिलप कर डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर नेक्स्ट आपुनी इते सार्कल अफिश तो सिलेक्ट कर लब नेक्स्ट आपुनी डाउनलोड देखा पा पुलिस स्टेशन तो टाइप कर लब टाइप कर स्क्रोल डाउन कर दिब स्क्रोल डाउन कर देखा पा करेंट एड्रेस जो आपनर पार्मानेंट एड्रेस और करेंट एड्रेस सेम है तैयार आपुनी इतने देखा पा येस और नो जो आपनर एक आपुनी येस क्लिक कर दिब जो नो है तैयार आपुनी नो क्लिक कर करेंट एड्रेस तो टाइप कर लबा आमार एक आम येस क्लिक कर दीसूँ येस क्लिक कर स्क्रोल डाउन कर दिब स्क्रोल डाउन कर देखा पा आईडी प्रूफ एड्रेस प्रूफ एज प्रूफ पासपोर्ट फोटो कपि इते आपलोड कर लब लगे चाहिए आम आपलोड कर नेक्स्ट आपुनी डाउनलोड देखा पा सेवेन नेक्स्ट आपुनी क्लिक कर दिब क्लिक कर दियार पिछत आपनर एप्लिकेशन फर्म खोल खाई जाब जदि आपनर एप्लिकेशन फर्म क्या भूल हो गई है तैयार हमें आपुनी डाउनलोड इडिट ऑप्शन आसे इडिट गई किने आपुनी करेक्शन कर लब पार एप्लिकेन्टक प्रिंट कर दिब पार
আপুনি ডাউনলোড দেখা পাব, মেক পেমেন্ট ইয়াতে আপুনি ক্লিক কৰি দিব। তাৰপিছত নেক্সট প্ৰচিডত ক্লিক কৰিব, আপুনি অকণমান টাইম ৱেইট কৰিব, ৱেইট কৰি আপুনি দেখা পাব নেক্সট এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ শ্ব' হৈ যাব। আপুনি ইয়াতে পে'মেণ্ট অপশ্যনটো চিলেক্ট কৰি ল'ব, এক্সিছ বেংক ডাউনত দেখা পাব, এগ্ৰিত ক্লিক কৰি প্ৰচিড টু পে'মেণ্টত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক এনেকুৱা ন'টিফিকেশ্যনত আহিব, ইয়াতে আপুনি অ'কেত ক্লিক কৰিব, অ'কেত ক্লিক কৰাৰ পিছত নেক্সট এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ দেখা দিব, ইয়াতে আপুনি টাৰ্ম এণ্ড কণ্ডিশ্যনটো অ'কে কৰি ল'ব। এইটো আপোনাৰ হিচাপত আপুনি চিলেক্ট কৰি ল'ব। আমাৰ ডেবিট কাৰ্ড, সেইকাৰণে আমি ডেবিট কাৰ্ড ক্লিক কৰিছোঁ আৰু ৰুপেত ক্লিক কৰিছোঁ। ৰুপেত ক্লিক কৰাৰ পিছত নেক্সট এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ দেখা দিব, ইয়াতে আপোনাৰ কাৰ্ড নম্বৰ, এক্সপায়াৰ ডেট, চি ভি ভি নম্বৰ আৰু কাৰ্ড হোল্ডাৰ নেম ইয়াতে টাইপ কৰি পে'মেণ্টত ক্লিক কৰি দিব। পে'মেণ্টত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ বেংকৰ লগত লিংক হৈ থকা মোবাইল নম্বৰত এটা অ' টি পি আহিব, অ' টি পিটো ইয়াতে এণ্টাৰ কৰিব। অ' টি পিটো ইয়াতে এণ্টাৰ কৰাৰ পিছত ছাবমিটত ক্লিক কৰি দিব। ছাবমিটত ক্লিক কৰি দিব, অকণমান টাইম আপুনি ৱেইট কৰিব, ৱেইট কৰি আপোনাৰ পে'মেণ্টটো ছাকচেছ হৈ যাব। ছাকচেছ হোৱাৰ পিছত আপোনাৰ একনলেজমেণ্ট শ্লিপখন শ্ব' হৈ যাব। এনেদৰে আপুনি মাইনৰিটি চাৰ্টিফিকেটখন ঘৰতে বহি বনাই ল'ব পাৰিব। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানে, ধন্যবাদ।